इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान ज्यादा चतुरों को नहीं मिलते, भगवान हमेशा जो सीधे साधे भक्त होते हैं ना, भोले भाले भक्त होते हैं। कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, क्या चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और भोले भाले भगत को तुरंत हरी मिल जाए। भोले भाले भगत को भगवान किसको मिलते हैं? भोले भाले भक्तों को। कहते हैं ना भगवान को दिमाग से नहीं पाया जाता, भगवान को दिल से पाया जाता है। और भगवान की भक्ति में अगर दिमाग लगाओगे ना तो भगवान मिलने वाले नहीं है। दिमाग को दुनिया में लगाओ और दिल को भगवान में लगाओ। लेकिन आजकल लोग उल्टा ही करते हैं, दिल तो लगाते हैं दुनिया से और दिमाग लगाते हैं भगवान में। अगर हलवा बनाना है बिहारी जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, उसमें भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा उन्हीं के तो लगाना है। और अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है, ऐसी चीज भगवान के भोग में रखनी है, तब तो फिर पूछो ही मत। भगवान का दीपक के लिए घी अलग रखेंगे, वो क्या बोलते हैं, वो सबसे बेकार वाला घी जो आता है, हैं? हाँ वही भगवान के पूजा में रखेंगे एकदम बेकार सा घी, और कभी कभी भोग में भी वही डाल देंगे। और अगर कोई ऐसी चीज बनानी है जो आपको पसंद नहीं है पर भगवान को पसंद है, तब तो फिर ऐसी चीज बनाएंगे, ऐसा इतनी कंजूसी करेंगे, ढाल दो कुछ भी, बाद में तो फिकना ही है। हाँ हे भगवान, दूध पिलाएंगे तो उसमें भी दिमाग, भगवान को कुछ चढ़ाना है निकालेंगे जेब में से बढ़िया मोटी मोटी नोट, और मंदिर में जाएंगे एक का सिक्का निकालेंगे, थाली में टन से आवाज आएगी, भगवान भी कहते हैं वाह रे कंजूस आदमी, अगर मैं भी तेरी जेब में टन से आवाज करके एक का सिक्का डाल देता तो हाँ? अगर मैं भी तेरी जेब में एक रुपया ही डालता तो